हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। ये हमारा करंट अफेयर की सीरीज़ का 22वां पार्ट है और बाकी 21 पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 316 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। पांचवी AIEC की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई नई दिल्ली में। अब AIEC चीज़ क्या है, इसकी फुल फॉर्म है भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, और इसमें इंडिया की तरफ से भाग लिया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। अब रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? हमारे HRD मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य कार भरोसा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये की भी आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अब मत्स्य कार भरोसा योजना है क्या? इसका मतलब है कि जब अप्रैल और जून का महीना होता है, उस महीने में मछुआरों को रोका जाता है कि आप मछलियां पकड़ने ना जाएं, तो मछलियां नहीं पकड़ेंगे उनका रोजगार नहीं चलेगा। तो इस योजना के दौरान जब उनको रोका जाता है तो पर मंथ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, यानी वो मछलियां पकड़ने नहीं जाएंगे फिर भी उनको 10,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसका नाम है मत्स्यकार भरोसा योजना। ये शुरू किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? हैदराबाद। करण और यहाँ की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 318 नंबर पे। 28वें बिहारी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ को। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है स्वप्न पास। ठीक है, इसके लिए इनको मिला है ये बिहारी पुरस्कार। अब ये बिहारी पुरस्कार देता कौन है? ये देता है बिड़ला फाउंडेशन, और इसके तहत 2,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओशन डांस फेस्टिवल 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ भाई बांग्लादेश में, और इसमें 15 देशों के लगभग 200 डांसरों और कोरियोग्राफर ने भाग लिया है। नाम आया बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश की राजधानी टक्का, सॉरी राजधानी ढाका और करेंसी टक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप 2019 किसने जीता? तो ये जीता भाई राफेल नडाल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 321 नंबर पे आ जाओ। नोमुरा के फूड वेलनरेबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? नोमुरा के फूड वेलनरेबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा भाई 44वीं स्थान पर। ठीक है, भारत का इसमें आया 44वां स्थान। ओके, अच्छा अब ये चीज़ क्या होती है? इसका मतलब है कि किसी देश में खाद्य कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है, उसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, और भारत आया इस इंडेक्स में 44वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगाई महोत्सव 2019 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, और यहाँ के CM है एन वीरेन सिंह और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 323 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किसने किया है? तो ये किया है भी NVIDIA ने। एनवीडिया का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने, 324 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने स्कॉटिश ओपन का खिताब जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। अब नाम आया स्कॉटिश ओपन, यानी स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडनबरा और करेंसी है यहाँ की पौंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCC ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो NCC ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है भाई 24 नवंबर को। ठीक है, अब NCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है एकता और अनुशासन। ओके, एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन देखिए, 326 नंबर पे आ जाइए। 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है दो लोगों को, एक है एलियुड किपचोगे और एक है दालिला मोहम्मद।
ठीक है, एल्यूड किपचोगी को क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन को कंप्लीट किया है। ओके, और इनको क्यों मिला? दलीला मोहम्मद, इनको इसलिए मिला कि ये जो 400 मीटर की बाधा रेस होती है इसमें चैंपियन रहे हैं। और दलीला मोहम्मद कहाँ से हैं? ये अमेरिका से हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने कहाँ से कोर्टोसैट 3 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया ये कौन सा है? तो इसके ऊपर लिखा होता है भी PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी ये एक ध्रुवीय उपग्रह है। ध्रुवीय उपग्रह का मतलब ये जैसे भविष्यवाणी करता है कि मौसम आगे कैसे रहने वाला है, कहाँ के हालात कैसे होने वाले हैं, समुद्र में तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, उन चीज़ों के बारे में। और जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो 84 मिनट में अपना आवर्तकाल पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको छोड़ा किसने है? इसरो ने। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बना कब? 1969 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष हैं के शिवांग वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नेहा दीक्षित को। इनको सम्मानित किया किसने? एक एनजीओ है जिसका नाम है शॉर्ट में CPJ, इसकी फुल फॉर्म है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म। ठीक है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म एक एनजीओ है, और ये उन पत्रकारों को सम्मानित करता है जिन्होंने सच्ची खबरें छापी हैं या अपने कार्य के अंदर बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, किसी हालात में समझौता नहीं किया। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CPJ का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य बना है? यानी अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है, पहले क्या था? नेशनल पार्क था। किस राज्य में था ये? ये है भाई छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है उसका नाम क्या है? रायपुर। अब छत्तीसगढ़ में एक और शहर है जिसका नाम है नया रायपुर। अब नया रायपुर का नाम बदल के रखा गया है अटल नगर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। लास्ट क्वेश्चन देखो, 330 नंबर पे, किसे क्वालिटी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भाई सुरेश कृष्णा को। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।